क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में और सख्त होगी शराबबंदी, शराबियों के घर चिपकेगा पोस्टर, दूसरी बार पी शराब तो जाएंगे जेल। नगदानंद सिंह के सीएम वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, ऐसी बातों से बचने की जरूरत। नवरात्र में हुई नापाक हरकत, मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ा, मूर्तियों को भी बनाया निशाना। रसोई गैस सिलेंडर हुआ 99 रुपए तक सस्ता, पटना में एलपीजी की कीमत जारी। खगड़िया में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे 31 पर अनियंत्रित कार पानी भरे गड्ढे में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जगदा बाबू गलतफहमी में है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। नीतीश कुमार ने आज तक किसी भी समझौते का पालन नहीं किया है, धोखा देना, विश्वासघात करना नीतीश कुमार के स्वभाव में शामिल हो गया है। और क्या कुछ कहा सुशील मोदी ने, आइए सुनाते हैं। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में 7 बार और धोखा दिया है, चाहे नेताओं को या बिहार की जनता को, वह व्यक्ति फिर एक बार लालू यादव को धोखा देगा। और इसलिए लालू जी, अगर आप चाहते हैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, तो नीतीश जी का इंतजार मत कीजिए, जनता दल को तोड़ दीजिए, फिर 5 विधायकों को मिला लीजिएगा, तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। स्पीकर आपका है, नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी को मालूम है कि न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, मुख्यमंत्री की गद्दी तो चली जाएगी और प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। आरा के मानसागर गांव के समीप बनास नदी किनारे सोए युवक की अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस युवक का शव नदी किनारे मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन नदी किनारे पहुंचे और शव को देख तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सर सांझ के एक संगे 3-4 था एक संगे गोल रहा, एगो सर भथी हो जे चुआत रहे, तो सर उ तो हम क्या जान जाए उ सब के ले उके गोल रहन, तो सर पिया पी तनि पी ले लो यान, तो सर उ आके घर या फेन चल गल था, तो फेन सर घर घरों घरों कह दो क्या कि सर हिया पी के गिरल बड़न है, तो सर घर ना कह बैर के सर पता लागल बुझे सर होते ना तू होते ना फर के सुतल बन जा, सर उनका जाना कहते हैं हाथ पहते ना रहे। मारपीट करके हत्या हुआ सर जी। कब की घटना है? रात की घटना है। पता क्या चला आपको? पता चला कि नदी के किनारे उनका चिलवन के पास लाश पड़ा हुआ है। अच्छा, आप आइए। तो हम गए तो देखे पूरा जनता वगैरह सब लोग जुटा हुआ था वहाँ जी। क्या चीज़ से मारा गया है? चंपा से मारा गया है। कैसे? बांस का जो टंपा होता है ना छड़ा, उससे मारा गया है। सर भी उसका कटा गया है उदारी रामी से बस। खबर बक्सर से है, जहां चोरी हुए 107 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद एसपी कार्यालय में सभी धारकों को संदेश भेज बुलाया गया था। एसपी नीरज सिंह की मौजूदगी में सदर डीएसपी गोरख राम ने धारकों को उनके फोन सौंपे। इस क्रम में उत्साहित युवाओं के आग्रह पर एसपी के साथ उनकी ग्रुप फोटो भी हुई। और इन 6 फेज में हम लोग करीब करीब उन्हें 800 के आसपास मोबाइल चोरी का है, छिनकई का है, या कहीं किसी कारण से जो लीगल गार्डियन हैं उनके पास से मोबाइल कर लिया। अभी तक हम लोगों ने 750 के आसपास मोबाइल
अपने टेक्निकल सेल के और सहयोग से उसको बरामद करके जो वैध अभिभावक हैं मोबाइल के उनको कागज सत्यापन के पश्चात उनको हम लोगों ने सौंपा। कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने किब रामगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर से गायब 3 साल की बच्ची को 24 घंटे के अंदर झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुज्जू से बरामद कर उसके परिजनों को लौटा दिया। परिजनों ने बच्ची पाने के बाद जिला प्रशासन को धन्यवाद कहा, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1 इंडिका कार, 2 मोबाइल, 1 कड़ा और 30,000 रुपए भी बरामद किया गया है। बाद स्कूल में पहुंच गया, उसके बाद जाके पूरे स्कूल में खोजे, उसके बाद भी बच्ची नहीं मिली। फिर प्रिंसिपल साहब को बोले सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, तो उनका कैमरा बहुत लेट चालू हुआ था। और फिर उसके बाद फिर मेरा भाई आ गया, तो वो भी बोला तो प्रेशर दिया गया, तो फिर टालमा टोल करने लगे। और उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बच्ची का बैग उस समय स्कूल में ही था? हाँ, बच्ची का बैग उस समय स्कूल में। कितने बजे लगभग आपको जानकारी दी गई थी? 10:30 बजे। फिर आप लोग क्या किए? उसके बाद फिर पुलिस आया, अपना प्रशासन अपना काम किया। हम लोग अपने से पूरी तरह छानबीन की। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत धन्यवाद है। मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई। इस पूरे घटनाक्रम में जो संबंधित स्कूल था वहाँ सीसीटीवी लगा तो था, लेकिन संचालित नहीं था। और संचालित इसलिए काफ़ी दिनों से नहीं था, चूँकि लगातार 1 हफ्ते से तो ये अभियुक्ति वहाँ रेडी करने जा रहा है। तो न केवल इस स्कूल के संदर्भ में बल्कि ज़िले के जितने भी स्कूल, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सारी स्कूल प्रबंधन के ऊपर है। और जो पेरेंट्स हैं वो बड़े विश्वास के साथ में अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल का ये दायित्व बनता है और कानूनन दायित्व भी बनता है, और इसके लिए वो बाध्य भी हैं कि जो भी सुरक्षा के मानदंड हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे गार्ड की व्यवस्था हो, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, बसेज हैं, उसमें भी सीसीटीवी लगाने का प्रावधान हो, उसका जरूर अनुपालन हो। नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा व्यवहार न्यायालय में उस समय अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब जमानत मिलने के बाद एक युवक को जबरन पुलिस कोर्ट कैंपस में धक्का मुक्की व घसीटते हुए ले जाने लगी। बचाव में जब अधिवक्ताओं ने हस्तक्षेप किया तो पुलिस ने उनसे भी हाथापाई करी। पुलिस की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का कहना है कि हिलसा थाना के कुछ पुलिस पदाधिकारी कोर्ट की मर्यादा को तौहीन करने पर तुले हुए हैं। तो वहीं घटना के संबंध में डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है, मामला सामने आने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नवादा जिले के पकरी बरवा के अचला अधिकारी नागेंद्र कुमार पर एक युवक द्वारा मारपीट का आरोप लगाया है। इस युवक का आरोप है कि अंचला अधिकारी ने माफिया से मिलकर उसकी जमीन के दाखिल खारिज को रद्द कर कार्यालय में बुलाकर उससे मारपीट की गई, जिसका वीडियो प्रखंड कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पीड़ित युवक राजेश कुमार ने डीएम उदिता सिंह से लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। भूमि उप समर्ता नवादा का आदेश पारित रहते हुए 18 महीना से हमको पत्री वर्मा अंचल अधिकारी नरेंद्र कुमार दौड़ा रहे हैं, और दौड़ाने के क्रम में मैं डीएम साहब के पूर्व में आवेदन दिया हूँ 27/8/2022 को। हमको 9:30 to 5:30 अपने ऑफिस शाम को बुलाए और हमारे साथ मारपीट किए, जिसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका सबूत सीसीटीवी कैमरा में भी है। मारपीट करने के बाद हमको घर भिजाया गया। घर भिजाने के बाद क्रम में हमको 6 दिन के बाद पता चला कि मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिए हैं। तो हमको पता चला कि मैं डीएम साहब के आज आवेदन दे रहा हूँ, मैं इनको आवेदन का गुहार लगा हूँ डीएम साहब के यहाँ कि मुझे 440/22 केस में अंचलाधिकारी नरेंद्र कुमार के द्वारा फंसाया गया। नवादा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था सृजन आर्ट्स शकुंतला मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज के द्वारा शहर के एक होटल में भव्य जागरण और डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन और आरती वंदन कर नव भक्त नवरंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक ने कलाकारों को संबोधित करते हुए बताया कि संस्था का उद्देश्य गीत संगीत के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और धर्म का संरक्षण करना है।
आज सृजन आर्ट्स नवादा के साथ प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था जो आज डांडिया और जागरण का कार्यक्रम संयुक्त रूप से रखा है और उत्साह के साथ खास करके इसमें अपनी संस्कृति का दक्षिण भारत का हो चाहे महाराष्ट्र का हो सभी संस्कृतियों का ख्याल करके और एक साथ अपनी संस्कृति का संरक्षण के उद्देश्य से माता के जागरण में और डांडिया नृत्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों महिलाएं हों सभी लोग उत्साह से माता के गीत पे झूम रहे हैं। खबर भागलपुर से है जहां एक युवक को गौ तस्करी का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि मामला एनटीपीसी थाना अंतर्गत एनटीपीसी एस डाइक पर का है जहां के चारी चांदपुर निवासी ने बताया कि गौ तस्करी का विरोध करने पर एक गौ तस्कर अपने दोस्तों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे। युवक ने पुलिस से इसकी शिकायत की। अब देखना यह होगा कि ऐसे अधिकारियों पर पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। वो शाम में हमने देख के अपना हम घर जा रहे थे इस देखे ब्रिज देखे हमारे साथ ब्रिज के पास हमको चार आदमी रोक लिया यहाँ। क्यों रोका क्या बोला? पहले वो हमको घेर लिया, हम गाड़ी ब्रेक कर दिए और उसके बाद वो बोला कि तुम बनते हो बहुत, तुम मेरा गाय का तस्करी का धंधा क्या बंद करा दोगे, तुम बहुत हीरो बनते हो। तो हम बोले कि हमने क्या किया, तो तुम मेरा तस्करी का धंधा पूर्व में हम उसका विरोध किए थे वो गाय। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का मोहम्मद हदीस नाम है, बाप का नाम मोहम्मद इदरीस है। इसका लिखित शिकायत कहाँ दी है? इसका हम लिखित शिकायत आपके एनटीपीसी थाना महोदय को दिए हैं। खबर आरा से है जहां देर रात जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पीलापुर गांव में जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया, जिसमें घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। किससे झगड़ा हुआ चल रहा था? अगल बगल। मैंने कौन से बोले? चिकोटन पाल है और शशि पाल है। तो आज क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? आज तो खाना खाए और दलानी में सोए थे, आप पता नहीं सो गए थे, नींद में पूरा गोली मार के चला गया। पता चला कितने लोग थे? नहीं पता, इसको तो कुछ नहीं पता चला। क्या लगता है कि वही विवाद के कारण गोली मारे गए? अब तो भगवान जाने, वाले आदमी ऐसे 8 दिन पहले बोला बोली हुआ था और बोल रहे थे कि बता देंगे, मतलब घर बन रहा है हम लोग का, बनने नहीं दे रहा है, दो तरफ से बुराई हो रहा है। कौन बोल रहा था कि बता देंगे? उसी पर्सन पर का लड़का, उसी पर्सन पर गए थे। 8 दिन पहले झगड़ा भी हुआ? हाँ, इसी झगड़ा में तो बोला बोल मतलब बहुत हुआ था। थाना में कंप्लेन हुआ था? नहीं, थाना में नहीं हुआ था। नवगछिया के ढोल बज्जा थाने के अंतर्गत बिजली दुकान के बाहर रखे पंखा चोरी मामले में झूठी मनगढ़ंत कहानी रची गई थी। किसी आपत्तिजनक व्यक्ति द्वारा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें थाने को बदनाम करने की साजिश रची गई। और जब हमारे संवाददाता ढोल बज्जा थाना गए तो जिस दुकान से पंखे चोरी की गई थी उसके दुकानदार से पूछताछ की गई तो दुकानदार ने बताया कि रात के समय दुकान बंद करने के दौरान पंखा बाहर छूट गया था और हम लोग घर के अंदर चले गए थे, हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। तब पुलिस वाले ने पंखे को लेकर थाने चले गए और दूसरे दिन हमें थाने बुलाकर पंखा हमें वापस कर दिया गया। इसमें थानेदार का कोई लेना देना नहीं है, यह हमारी गलती है। यहाँ सर मीटर वाला पंखा जो है ना वो उधर गया था, बाहर में भी अच्छा छूट गया था, लेकिन ये अफवाह उठ रही है कि आप पुलिस वाले आकर के पंखा चोरी करके, ये क्या सरासर से अफवाह है? जी, पंखा वापस हुआ आपका? हाँ, पंखा वापस हुआ। बिहार की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।